श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, अभयनंद आपण मानू पूजा पाठ मंत्र जंत्र तंत्र ये चैनल टी आपण मान बहुत स्वागत करुच्ची। निश्चित आपण मानकर प्रश्न अनेक प्रकार कमेंट बॉक्स रे अनेक व्यक्ति दर्शक माने प्रश्न पचार आज जे भाग्य उन्नति हबा भाग्य खोलिबा भाग्य किछ परिवर्तन उन्नति हबा सेथिपई की प्रकार प्रतिकार कौन प्रतिकार तो अनेक प्रकार अच्छी किंतु आज विषय वस्तु जंत्र जंत्र माध्यम रे अनेक प्रकार प्रतिकार समस्या समाधान करा जाए। जंत्र विभिन्न प्रकार अच्छी जंत्र मारण तारण वश्य उच्चाटन स्तंभन मोहन विद्वेषण विभिन्न प्रकार षटकर्मर कर्म भेद अनुसार अनेक प्रकार जंत्र अच्छी। आज जंत्र हेउची नवनाथ जंत्र नवनाथ नवनाथ नवग्रह को नवनाथ कहा जाउची। रवि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु इनको नवनाथ बोली कहा जाउची। ये हूँ नवग्रह जंत्र इनकर ये नवग्रह जंत्र बा नवनाथ जंत्र हजार थर परीक्षा करा जाइछि एवं यह 100% सफलता एवं सिद्धि एवं भाग्य रे उन्नति कराए। जंत्र लेखिबा पई हेले जंत्र और आजिकल अनेक प्रकार रत्न माध्यम रे भाग्य चेष्ट करा जाउछि रत्न पूजा पाठ किंतु जंत्र माध्यम रे अलौकिक भाव रे अकस्मात दैवी शक्ति द्वारा भाग्यर उन्नति हुए। जंत्र नवनाथ जंत्र ये जंत्र तैयारी करने को हेले अति कम्रे 4 इंच रु 4 इंच भोजपत्र आवश्यक एवं भोजपत्र रे ये नवनाथ जंत्र करिबा पूर्वर आग पेंसिल रे किंबा लाल पेन रे आग रफ करिया पड़ो कारण जंत्र लेखिला बेले जदि सामान्य भूल हुए ताले से भोजपत्र नष्ट हो जाए। भोजपत्र भोजपत्र ही सिद्धपत्र सेथिरे जंत्र लेखिले निश्चित सफलता मिले। लेखिबा पई मल्लिकाठी कलम किंबा डाळिंब काठी कलम किंबा जुई काठी कलम ए सब आवश्यक अछि। जंत्र लेखिबार प्रणाली तार शुभ मुहूर्त क्यों मुहूर्त लेखा जाए से सब गुड़िक विषय आगुरु मध्ये वीडियो रे कहिछि। शुभ मुहूर्त भाग्य रे उन्नति एवं भाग्य खोलिबा एगुड़िकर केउ दिन ए जंत्र लेखा जिवो ए जंत्र गुड़िक गुरुवार लेखि हेबो एवं शुक्रवार लेखि हेबो। शुभ बार होची गुरुवार एवं शुक्रवार ये गुरुवार शुक्रवार ही ए जंत्र लेखि हेबो कारण शनिवार मंगलवार क्रूर कर्म पाई कि जंत्र लेखा जाए। मंगलवार रे स्तंभन जंत्र शनिवार रे कौन प्रकार क्रूर कर्म विद्वेषण मारण हो स्तंभन विद्वेषण ये सब कर्म पाई कि शनिवार मंगलवार प्रशस्त तेणुक गुरुवार जंत्र लेखा जीवो किंबा शुक्रवार लेखा जीवो। वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु जो माने चैनल टी सब्सक्राइब करना अनुरोध से माने चैनल टी सब्सक्राइब करंतु वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु स्किप करंतुनी नले बुझी पारिबेनी कहबा को हेले जंत्र होउ पूजा पाठ होउ प्रत्येक कर्म पई किछि नक्षत्र केउ नक्षत्र रे करा जीवो केउ बार रे करा जीवो केउ मास रे करा जीवो केउ ऋतु रे करा जीवो सेगुड़िक नित्यांत जाणिकरी एहा करिबा प्रशस्त केउ दिग को बसिकी पूजा करा जीवो ए सबु संबंधी सविशेष विवरणी मोर गोटे हस्तरेखा महाविद्या चैनल अच्छी
से चैनल टी आपण निश्चित सब्सक्राइब करले देखि परिबे जानि परिबे जे सेथिरे योग मुहूर्त काल बेला अमृत सिद्धि योग सेथिरे गोटे वीडियो अछि जे अमृत सिद्धि योग से सिद्धि योग रे कार्य कले बा ए जंत्र लेखिले सफलता एवं सिद्धि मिले। गुरु पुष्या योग रवि पुष्या योग एवं महालक्ष्मी लक्ष्मींकर पूजा केउ बारे केउ नक्षत्र रे केउ योग रे केउ लग्न रे केउ मास रे कले सफलता एवं सिद्धि मिले। ए सब संबंधी वीडियो आपण माने हस्तरेखा महाविद्या चैनल रे पाई परिबे। ए जंत्र लेखिबे कोले प्रथमे एई भली भाबरे पांचोटी आड़ी रेखा देखंतु ये भली भाबरे पांचोटी रेखा एक दुई तीन चार पाँच एमती है कि चार चौ षोलटी कोठी हेला देखंतु एक दुई तीन चार एक दुई तीन चार चार चौ षोलटी कोठी हेला एवं प्रत्येक कोठी रे एपटे एभली भाव में फूल पाखुड़ा भाई आकृति हेब एवं एथिरे सब लेखा जीव ताहा किभली भाव में डॉट पेन रे प्रथमे यार रफ करा जाइछि देखंतु वीडियो टी शेष पर्यंत ताल जाय दे। एटा होची नवग्रहंक जंत्र एकु मध्य कहा जाउची नवनाथंकर जंत्र ये याज्ञवल्क्य ग्रह जाग पद्धति पोथी आसी अच्छे आउ ये जंत्र बारंबार सफलता बहुत लोक दि जा जंत्र पूर्ण सफलता एवं सिद्धि मिले। ये जंत्र लेखिवा को हेले काली केसर रक्तचंदन एवं कुंकुम गोरचना भी व्यवहार करिपरिबे किंतु गोरचना तो आजकल बहुत दुर्लभ एवं बहुत मूल्य मध्य तेणुकरी गोरचना जदि न मिले ता बदल जाफरान केसर व्यवहार करिपरिबे। एवं गंगा जल देखंतु गंगा जल मध्य व्यवहार करिपरिबे गंगा जल रे केसर गोरचना रक्तचंदन रे एभली भाव काली गोटे प्रस्तुत करिबे। जंत्र लेखिला बेले पाखेरे देवतांक आगेरे बा ठाकुरंक घरे लेखिले भल किंबा देवालय रे लेखिले भल शुभ स्थान पवित्र स्थान एवं पवित्र मन शुद्ध चिंता करी ए जंत्र को लेखिबे। ए जंत्र लेखिबा को हेले फूल धूप दीप ए जंत्र पाई कि पूजा पाई कि पूजा सामग्री होची फूल दुब भोग दीप नवनाथंकर नारे नौटी दीप मध्य जाली परिबे गुआघ्य दीप हेउ किंबा राशि तेल दीप मध्य हेउ नौटी दीप लगे कि ए जंत्र को पूजा करि परिबे। ए जंत्र को ये नवग्रह
धन प्राप्ति एवं भाग्यरे उन्नति पाई जो जंत्र लेखा जीव ताहा साधारणतः डालिंब काठी कलम रे किंबा मल्ली काठी किंबा जुई जाई काठी कलम रे लेखिवा विधान प्रत्येक कलम फूल गच्छ काठी रे किंबा डालिंब काठी मध्य डालिंब गच्छ जेउथरे फल फळिथिबो डालिंब गच्छरे से भळी एक डालिंब गच्छ मध्य देखिकिरी डालिंब गच्छ को पुष्प अक्षत रे वरण करी पूजा करी तार एक शाखा भांगिकिरी आणिबे सेथिरे कलम सदृश मध्य करी पारंती एवं से कलम को पूजा करिवे धूप दीप भोग फूल चंदन दे कलश उपर थोइबे गोटे कलशटे बसेबे कलश उपर थोई ताको पूजा करिवे तापर से कलम रे जंत्र लेखिबा पई से प्रस्तुत से कलम टे लिखिबे ए जंत्र अनेक अनेक व्यक्ति की दिया जाए ची ये जंत्र ऋण मुक्त कराए एवं नवग्रह पीड़ारु रक्षा मिले कौन प्रकार दुर्योग थिले एवं गुणी गारेडी पेषण भूत प्रेत भय ए सब क्षेत्र रे यहाँ 100% सफलता कार्यकारी करे नवनाथंकर ए जंत्र मंत्र यार हेउची ओम नवनाथाय नमः ओम नवनाथाय नमः ये मंत्र को मध्य पढ़िकी उच्चारण पूर्वक ए जंत्र को लेखिबे ये जंत्र प्रत्येक ग्रहंकर एक स्वतंत्र जंत्र मध्य अछि किंतु ये होची संपूर्ण भाव रे नवग्रहंकर नवनाथ जंत्र ये जंत्र धारण कले नवग्रह पीड़ारु व्यक्ति की रक्षा मिले ऋण रोग शत्रु देह बाधा प्रत्येक प्रकार भौतिक बाधा आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध तापरु रक्षा मिले व्यक्ति की ये जंत्र लिखिबा को हेले अति कम रे 15 मिनट रु 20 मिनट समय लागिवो आखिर शुद्ध कंबला आसन उपर बसी ये जंत्र को पवित्र मनरे मंत्र ओम नवनाथे भ्यो नमः मंत्र उच्चारण पूर्वक बा नवनाथाय नमः मंत्र उच्चारण पूर्वक ये जंत्र को लिखिबे जंत्र लिखि सारिला परे जंत्र तो टिके ओदा थिबो जंत्र सुखिया पई अतिकम रे घंटाटे समय लागिबो जंत्र सुखी गला परे ए जंत्र को प्राण प्रतिष्ठा केबळी होउची संजीवन प्राण प्रतिष्ठा एवं नवनाथंकर प्राण प्रतिष्ठा एथरे हिपो एवं ए जंत्र किबळी धारण करा जीवो एथिरे प्रथमे ओम बीजक्षर ऐं सरस्वतींकर बाघबीज श्री लक्ष्मींकर बाघबीज श्री होउछि महालक्ष्मींकर एकाक्षरी मंत्र ह्रीं होउछि मा दुर्गांकर एकाक्षरी मंत्र
ଏବଂ ଏପଟେ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଶନି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଶୁକ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶନି ଭୁଲ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶନି ଶନି ଗ୍ରହ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ କେତୁ ଯେହେତୁ ରାହୁ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଘରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଏହାର ପୂଜା ବିଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓଂ ଯନ୍ତ୍ର ରାଜାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଯନ୍ତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତାରନ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ ତାପରେ ଅଶି ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରା ଋଷଜ ଋକ ଯଜୁଷାମ ଥରବାଣୀ ଛନ୍ଦାଂସି ଚୈତନ୍ୟ ରୂପୀ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରେ ଦେବତା ନବନାଥ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକରଣ ବିନିଯୋଗ ଓଂ ନବନାଥାୟ ନମଃ ଓଂ ଆଂ ହ୍ରିଂ କ୍ରୋଂ ଜଂ ରଂ ଲଂ ବଂ ସଂ 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 ହଂ ହଂସ ନବନାଥେଭ୍ୟୋ ନମଃ ନବନାଥେଭ୍ୟ ଅତ୍ରାଗଚ୍ଛ ନବନାଥଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫୁଲରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ ନରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହେଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଓଂ ଯନ୍ତ୍ର ରାଜାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଯନ୍ତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତାରନ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ମନଜ୍ୟୋତିର୍ଜୁଷତା ମାଜସ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିର୍ଯଜ୍ଞମିମଂ ଦନତୁ ଅରିଷ୍ଟଯଜ୍ଞ ସମିମଂ ଦଧାତୁ ବୃହସ୍ପତିର୍ମେ ଦଧାତୁ ତାପରେ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଉତ୍କୀଳନଂ ଜାଗରଣଂ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା ନବଗ୍ରହେଭ୍ୟୋ ନମଃ ନବନାଥାୟ ନମଃ ଓଂ ନବନାଥାୟ ଆବାହୟାମି ଅତ୍ର ଆଗଚ୍ଛ ସିନ୍ଦୁରଂ ସିନ୍ଦୁରଂ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ ଓଂ ନବନାଥାୟ ନମଃ ଓଂ ନବନାଥାୟ ନମଃ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡଂ ଚନ୍ଦନଂ ଦିବ୍ୟଂ ଗାନ୍ଧାଢ୍ୟଂ ସୁମନୋହରଂ ବିଲେପନଂ ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ଚନ୍ଦନଂ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାଂ ନବନାଥେଭ୍ୟୋ ଚନ୍ଦନଂ ସମର୍ପୟାମି ନବନାଥେଭ୍ୟ ପୁଷ୍ପାଣି ସମର୍ପୟାମି ନବନାଥେଭ୍ୟୋ ଧୂଦୀପଂ ବନ ଧୂପ ଏମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଝୁଣା ଧୂପ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବନସ୍ପତି ରସଦୋଭୂତୋ ଗାନ୍ଧାଢ୍ୟଂ ସୁମନୋହରଂ ଆଗ୍ରେୟଂ ସର୍ପଦେବାନଂ ଧୂପୋୟଂ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାଂ ନବନାଥେଭ୍ୟୋ ଧୂପଂ ସ୍ୱାହା ନବନାଥେଭ୍ୟୋ ଦୀପଂ ସ୍ୱାହା ସୁପ୍ରକାଶ ମହାଦୀପ ମହାନ୍ଧତିମିରାପ ସର୍ବାଭ୍ୟଭ୍ୟନ୍ତରଜ୍ୟୋତି ଦୀପୋୟଂ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାଂ ନବନାଥେଭ୍ୟୋ ଦୀପଂ ସ୍ୱାହା ଦୀପ ପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଫଳମୂଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୈବେଦ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଓଂ ନବନାଥେଭ୍ୟୋ ନମଃ ନବନାଥେଭ୍ୟ ଅମୃତ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସ୍ୱାହା ଫଳମୂଳ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏଭଳି ଭାବରେ କରି ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଓଂ ନବନାଥେଭ୍ୟୋ ନମଃ ଓଂ ନବଗ୍ରହେଭ୍ୟୋ ନମଃ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍କୀଳନ ଜାଗରଣ ଏସବୁ ହୋଇଗଲା ଯେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଗୋଟେ ତାବିଜ ବା ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଶିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଖ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ହେବ ଲାଖରେ ଏକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଖ ଏଇଟା ଲାଖକୁ ନିଆଁରେ ତରଳେଇ ଏଥିରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ମହମ ଦେଇପାରନ୍ତି
ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମସିଲ ଅଠା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଇଏ ଯନ୍ତ୍ର ବା ତାବିଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଏକୁ କୌଣସି କଳସ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ନଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରି ଏକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଏଇ ନବନାଥଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ବା ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପୀଡ଼ା, ଗୁଣିଗାରଡ଼ିର ରକ୍ଷା, ଧନଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ହଜାର ହଜାର ଥର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି।